अब 8.1 का आठवां नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ है यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10² a बाय 1 + 10² a बराबर cos² a माइनस sin² a है या नहीं। इसको जांच करके हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखना है 3 cot a बराबर 4, इस पर ध्यान देना है। यहाँ 3 है यानी 3 है, तो 3 यहाँ गुना में, इस दोनों के बीच कोई चीज का चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है यहाँ पर। तो ये 3 गुना में है, उस साइड ले आएंगे तो वो भाग में हो जाएगा। तो ये 4/3 यानी बट्टा में हो जाएगा, 4/3। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर यह ध्यान देना है कि ये इक्वल यानी बराबर है, बराबर की साइड कोई भी अंक रहेगा, अगर बराबर से उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में रहेगा तो वो गुना में हो जाएगा, अगर इस साइड गुना में रहेगा बराबर से उस साइड ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा। अगर ये थ्री जो है यहाँ 3 अगर गुना में है इस साइड लाए तो भाग में हो गया। ठीक उसी प्रकार इधर अगर कोई भी संख्या या कोई भी अंक इधर अगर भाग में रहेगा और बराबर से इस साइड लाएंगे तो वो गुना में हो जाएगा। इस चीज़ पर ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखिए इसमें कॉट थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लंब होता है आधार बटे लंब होता है, कर्ण बोले सॉरी आधार बटे लंब होता है। तो देख लीजिए आधार बटे लंब होता है, इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आधार बटे लंब है। फिर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज का निर्माण किए बनाए, इसका नाम दे दिए ए, बी और सी। ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये कोण हमेशा 90 डिग्री के कोण के बराबर होता है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ये कोण हमेशा 90 डिग्री के कोण के बराबर होता है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसमें जो है ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हुआ, ठीक है। लेकिन थीटा के अनुसार यहाँ पर चेंज हो जाता है, ये कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, पहले भी बोले हैं कि कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। ये कर्ण हुआ, ये कभी नहीं चेंज होता है, और यहाँ पर आधार और लंब है, तो थीटा ए है, थीटा की जगह ए है, तो थीटा ए है, इसलिए ये कोण थीटा हुआ, तो ये भुजाधार हो गया, तो आधार 4 है तो 4 दे दिए, और लंब 3 हुआ तो 3 यहाँ दे दिए। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है ये भाग क्या है, तो ये कर्ण है, तो ये कर्ण निकालना है। यहाँ पर निकालेंगे कर्ण इक्वल टू, लिखेंगे कर्ण इक्वल टू √ लंब स्क्वायर और जो आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे फिर लंब हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ लंब 3 है और आधार 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 है, तो 4 का स्क्वायर। क्योंकि इसको लंब हम इसीलिए बोल रहे हैं, इसके थीटा के अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि थीटा ए है, तो ये कोण थीटा है, तो ये भुजा जो है ना वो आधार हो गया, ये लंब हो गया, इसलिए इसको लंब लिए और ये आधार लिए, तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, फिर √3 * 9 और 4 * 16, 16 * 9 दोनों मिला करके 16 * 9 = 25। फिर यहाँ पर देंगे 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसका गुणनखंड करेंगे 5 × 5, 2 5 के लिए 1 5 बाहर हम निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, 2 5 के लिए 1 5 बाहर निकालेंगे, या 25 का वर्गमूल 5 होता है, यहाँ 5 निकाल दिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 निकाल दिए, तो ये कर्ण का मान हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब इसका मान है, मान दिया हुआ यहाँ देखिए 1 - 10² a बाय 1 + 10² a इक्वल टू cos² - sin² a। यहाँ ध्यान देना है, तो 1 - 10² a बटे 1 + 10² a बराबर cos² a, सॉरी सामने सामने लिखना होगा, cos² a माइनस sin² a। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमको दोनों साइड जो है, ठीक है, तो इसका मान जो है बैठाना है, जो यहाँ पर मान दे दिया पूरा मान बिठाना है, देखिए यहाँ पर मान बिठा रहे, फिर देख लीजिए साइड से, यहाँ जो दिया हुआ है 1 - 10² a, तो यहाँ लिखेंगे
वन माइनस टेन का मान होता है लंबटे आधार होता है, लंबटे आधार होता है। तो लंब इसमें कौन हो गया, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, क्योंकि थीटा तो ए है, इसका भी थीटा ए है और इसका भी थीटा ए है, तो दोनों का मान सेम ही आएगा। तो एक का मान अगर बैठा लेंगे तो दूसरे का मान अपने आप आ जाएगा। तो वन माइनस ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब तीन हो गया और आधार चार हो गया, तो लंब बटे आधार, फिर इसका स्क्वायर था टेन स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर दे दिए। फिर यहाँ पर देखना है नीचे वाला को वन प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर ये इसका मान बैठाए हैं तीन बटे चार का होल स्क्वायर, इसका भी वही हाल करेंगे तीन बटे चार का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, कॉस का बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस स्क्वायर बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण बैठा लेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, चार बटे पाँच का स्क्वायर, चार बटे पाँच का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया तीन बटे कर्ण हो गया पाँच, तीन और पाँच तीन बटे पाँच बैठा दिए, इसका भी होल स्क्वायर है, यहाँ देख लीजिए होल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ, तो होल स्क्वायर बैठा दिया वहाँ। अब इसका मान निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ देखना है वन माइनस तीन दिया नौ बटे चार चौगा सोलह बटे वन प्लस तीन दिया नौ बटे चार चौगा सोलह बराबर, इसका डबल मतलब स्क्वायर है तो इसको डबल गुना करेंगे, चार बटे पाँच अब गुना चार बटे पाँच, अगर स्क्वायर है तो चार चौगा सोलह पाँच पच्चीस, सोलह बटे पच्चीस आ गया, यहाँ लिख देंगे सोलह बटे पच्चीस, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान देना माइनस है, फिर तीन बटे पाँच का स्क्वायर है तो लिखेंगे तीन बटे पाँच अब गुने तीन बटे पाँच, स्क्वायर है तो दो बार गुना करेंगे, अगर पावर दो है तो दो बार गुना करेंगे, तीन तीन नौ और पाँच पच्चीस यानी नौ बटे पच्चीस लिख दिए। फिर आगे देखना हमको ये है कि इसमें अब इसका जो है बटर के घटाओ, इसको बटर का जोड़ करना है, जिसको भिन्न वाला जोड़ भिन्न का घटाओ बोलते हैं वो, तो यहाँ लिखना है मेन बटा जो है मेन बटा मैंने दे दिया, फिर उसके बाद एक इस बटा काम करेंगे, तो यहाँ पर नीचे ले लेते हैं इस बटा कुछ लेते हैं एक और सोलह का एलसीएम जो है सोलह, एक से सोलह में भाग देंगे तो सोलह आएगा, सोलह को एक से गुना करेंगे तो सोलह का सोलह, माइनस है तो माइनस, ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस है तो माइनस। अब इस सोलह से इस सोलह भाग देंगे, मान लेते सोलह से सोलह में भाग दिए तो सोलह में सोलह कट गया, भागफल जो हमको एक आया, और इस एक से हम नौ को गुना करेंगे तो नौ एक नौ यहाँ पर नौ दे दिए, ठीक इसी प्रकार नीचे वाला को भी करना है, बड़ा कुछ नहीं एक एक और सोलह का एलसीएम लेंगे तो सोलह हो जाएगा, इसको हटा लीजिए फिर यहाँ से सोलह हो गया, फिर एक से सोलह भाग दिए सोलह का सोलह, और फिर एक से अगर सोलह भाग देंगे तो एक 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 कट गया छः, एक छके छः कट गया सोलह आया, इसका भागफल इस सोलह को एक से गुना करेंगे तो सोलह का सोलह प्लस है प्लस प्लस है तो प्लस में लिख दिए। फिर इसके बाद इस सोलह से इस सोलह में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, वही हाल हो गया पहले वाला हाल हो गया, सोलह सोलह में भाग दिए तो भागफल एक आया, एक को नौ से गुना किया तो नौ एक नौ, ठीक उसी प्रकार इसका आगे देखते हैं पच्चीस पच्चीस के एलसीएम लेंगे तो पच्चीस, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये सोलह और माइनस है तो यहाँ माइनस नौ एक नौ, ठीक है माइनस है तो माइनस नौ एक नौ। फिर इसके आगे देखना है, देखते हैं इस साइड में थोड़ा सा जगह है निकाल लेते हैं, फिर सोलह में से नौ गया तो यहाँ पर हो जाएगा सोलह में से नौ गया तो कितना हो जाएगा नौ सात सोलह, तो सात और सात बटे सोलह हो जाएगा, अब बट्टा में मेन बट्टा हो गया और यहाँ सोलह नौ पच्चीस और पच्चीस बटे सोलह, तो यहाँ जोड़ करके आया पच्चीस और पच्चीस बटे सोलह आ गया, फिर बराबर है बराबर दे दिए, और सोलह में से नौ घटाएंगे तो कितना होगा सात और बट्टा में पच्चीस है तो पच्चीस, ठीक है इसको सतत भिन्न बोलते हैं, ठीक है सतत भिन्न जो डायरेक्ट भिन्न पर भिन्न चलते रहता है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे मतलब गुना में चेंज कर देंगे, तो सात बटे सोलह गुने ये सोलह ऊपर चला जाएगा और ये पच्चीस नीचे आ जाएगा, तो ये सोलह ऊपर चला गया और ये पच्चीस नीचे बराबर सात बटे ये पच्चीस, सोलह से सोलह कट गया बचा क्या सात बटे पच्चीस बराबर सात बटे
25 बच गया, दोनों सेम LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड है, ठीक है, उसके LHS बराबर RHS प्रूव्ड। और इसका फिर अगला सवाल जो है इसके अगले वीडियो में हम फिर डालेंगे।